हाल ही में सुखविलास कॉलोनी में युवती के हाथ पैर बांध युवती की हत्या किए जाने की घटना से यादव समाज में आक्रोश व्याप्त है। हत्या के आरोपी को जल्द तलाश कर कार्रवाई किए जाने को लेकर यादव समाजजनों द्वारा बड़ी संख्या में रैली निकाल थाने का घेराव कर 2 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय सुखविलास कॉलोनी के मकान के रूम में यादव अहिर समाज की बेटी नंदनी का हाथ पैर बंधा शव मिलने के बाद यादव समाज सहित नगर में युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यादव अहिर समाजजनों में पुलिस द्वारा अब तक नंदनी के हत्यारे का पता नहीं लगाए जाने पर आक्रोश के चलते समाज की धर्मशाला से रैली निकाल कोतवाली थाने का घेराव किया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 2 दिनों में आरोपी को नहीं पकड़े जाने पर समाजजनों द्वारा सड़कों पर उतर कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। एसडीओपी रूपरेखा यादव को ज्ञापन भी सौंपा। चंद्रशेखर यादव, यादव समाज से हूँ मैं। आज थाने पर बड़ी दुखद घटना जो कल हुई है, यादव समाज पूरा आक्रोशित है, गंभीर आक्रोशित है, दुख भी है यादव समाज के ऊपर और आक्रोशित भी है कि अगर इतना टाइम हो गया आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, इस हिसाब से अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। मांग ये की है कि ये इतना जघन्य अपराध कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये एक सामूहिक गेंग होगी और गेंग के सारे सदस्यों को पकड़ना चाहिए पुलिस ने और उनको फांसी की सजा देना चाहिए। आपने चेतावनी भी दी, चेतावनी दी है कि कल की घटना है, 24 घंटे तो हो गए और कल की घटना के बाद 2 रोज का और उनको चेतावनी दी है कि 2 रोज में अगर प्रशासन ने अपराधियों को कटघरे में नहीं खड़ा किया तो ये यादव समाज का आज यादव समाज के साथ कुशवा समाज भी साथ में था और समाज भी साथ में, सकल हिंदू समाज साथ में था और ज्ञापन दिया है। ये सारा समाज 2 रोज में अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो ये थाने का घेराव करेंगे, जितना भी अहिंसक आंदोलन होगा पूरा यादव समाज करेगा। सही बोल रहे थे हमारे युवा कि यादव समाज किसान वर्ग से आता है, अधिकतर इसमें जैसा बोला जाता है कि 70% 80% खेती होती है इस देश में, वैसे यादव समाज में 90% लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं और अब हिम्मत करके अपनी बालिकाओं को पढ़ाना चालू किया। बाकी ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती है उससे यादव समाज का कोई भी किसान समाज भयभीत है कि अपने बच्चियों को पढ़ने जाने से रोकेगा ताकि ऐसी दुर्घटना नहीं हो, यही हमारा यादव समाज का कहना। आज यादव जी हाँ, कल एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक यादव समाज की युवती का शव सुखविलास कॉलोनी में मिला था और उस प्रकरण में भी पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध किया है और प्रकरण अभी जांच में और जल्द ही इसमें आरोपियों को पकड़कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन का समय मांगा, हमारी टीम्स लगी हुई हैं आरोपी के लिए, हमने अपने सभी टीमों को लगाया हुआ है और जल्द ही इसमें आरोपी की गिरफ्तारी होगी और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बड़वानी से विजय निकुंग की रिपोर्ट।